पहले तो आप इस मोटरबोट के चलने का आनंद लीजिए। इसको पानी में रखेंगे तो हवा पीछे को जाएगी और आपकी नाव आगे को चलेगी। इस मोटरबोट को बनाने के लिए आपको एक स्टायरोफोम या थर्मोकोल का टुकड़ा चाहिए होगा, एक प्लास्टिक का टॉय फैन चाहिए, एक पंखा चाहिए, एक खिलौने का मोटर चाहिए और एक 3 वोल्ट की बैटरी चाहिए। ये स्टायरोफोम का टुकड़ा है। इसके ऊपर सबसे पहले आप नाव की या बोट की आउटलाइन बनाइए और उसके बाद में एक पेन नाइफ से लेकर के इस आउटलाइन को काट दीजिए। इससे आपको तैरने वाली नाव मिलेगी, क्योंकि थर्मोकोल बहुत हल्का होता है, इसलिए स्टायरोफोम्स की बनी हुई नाव डूबेगी नहीं। अब ये डबल साइडेड टेप है जिसके दोनों तरफ गोंद है। एक पट्टी यहाँ लगाइए और उसके ऊपर एक मोटा थर्मोकोल का टुकड़ा चिपका दीजिए। ये वो आधार बनेगा हमारा जिसके ऊपर हम मोटर को और पंखे को रखेंगे। इसके ऊपर एक डबल साइड टेप और लगा दीजिए और आगे की ओर जो तिकोना हिस्सा है नाव का उसमें एक डबल साइड टेप और लगा दीजिए जहाँ पर हम बैटरी को रखेंगे। अब ये 3 वोल्ट की बैटरी है जो एक खिलौने के मोटर और एक पंखे से जुड़ी हुई है। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं पंखा तेजी से फर घूमता है, स्विच ऑफ करने पर पंखा रुक जाता है। ये खिलौने का मोटर किसी भी पुराने खिलौने से आप निकाल सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आप मोटर को इस तरह से चिपका दीजिए कि पंखा पीछे की ओर इंगित हो और आगे आप बैटरी का 3 वोल्ट की डीसी बैटरी है इनके पैक को चिपका दीजिए। अब हमारी मोटरबोट बिल्कुल तैयार है। पंखा स्विच ऑन करा तो पंखा तेजी से पर घूमेगा और आपकी नाव थोड़ी सी वाइब्रेट करेगी। पंखा बंद करेंगे तो नाव वाइब्रेट करना बंद कर देगी। अब आप पंखा चला करके इसको एक पानी से भरे टब में रखेंगे तो हवा पीछे को तेजी से फेंकी जाएगी और उससे नाव को आगे की तरफ एक पुश मिलेगी। ये न्यूटन के तीसरे नियम का एक सत्यापन है, दैट एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जैसी हवा पीछे की तरफ जाती है तेजी से, वो नाव को आगे की ओर धक्का देती है। और ये साइंस का एक्सपेरिमेंट तो है ही, पर साथ में एक बहुत मज़ेदार खिलौना भी है। और ये आपकी नाव तब तक चलती रहेगी जब तक बैटरी के अंदर जान होगी, जल्दी रुकेगी नहीं। तो घंटों आप इससे खेल सकते हैं और इससे खेलने का आनंद ले सकते हैं।